मैं डिसाइड करके नहीं आया था कौन सा बनवाना है फोन में है कौन से बनवाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाई का नाम है सूरज और आप देख रहे हो द जट्स ऑफ व्लॉग्स। आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्कस वगैरह कुछ नहीं भाई, बहुत दिन हो गए हमने हेयर कट नहीं लिया है, तो आज हम जाने वाले हैं नाई के पास बाल कटवाने। ठीक है, और कितने क्या पैसे लगेंगे, कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको अभी से मैं बता दूं कि हम लोग कोई ऐसी शॉप्स यार यहाँ पे भी अलग अलग होती है, यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है कि अपने वहाँ जैसा होता है ना, सेम यहाँ पे भी थोड़ा वैसे ही है, बट पैसे कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा। बने रहिए व्लॉग में, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, सुबह सुबह हम पीते हैं रगड़ा, तो पहले रगड़ा बना लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि ना भूख बहुत ज्यादा लग रही है। दूध तो डालना भूल ही गया वीडियो के चक्कर में। ये एक पैकेट की जो प्राइस होती है वो होती है 80-85 रुपए के आसपास। फैट परसेंट देखो, यहाँ पे फैट परसेंट भी लिखा होता है, 1.5% लिखा है ना, ऐसे 3.5 का भी आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पी के और हम लोग निकलते हैं और इंस्टीट्यूशन मतलब बीच में मैं ट्रिम कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो अगर हम वहाँ पे दाढ़ी भी बनवाएंगे और हेयर कट भी लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है मामला, इसलिए ऐसे ही चलते हैं, है ना, ट्रिम करके फिर निकलेंगे। निकल गए भाई हम यहाँ से, पुलिस थी और मैंने गाड़ी क्रॉस कर ली। खुल जाओ सुन सुन। बैटरी ना डिस्चार्ज इसकी 60% है और अभी लाइट भी इतनी है नहीं, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा मैंने ट्रिम करवाया ना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने मशीन भी डिस्चार्ज थी यार। मैं छोड़ो, दो शॉप का प्लान कर रहा हूँ। एक शॉप जो है वो अरबी वक्त की है, अरबी लोग काटते हैं वहाँ पे, और दूसरी जो शॉप है वहाँ अफ्रीकन की है। ठीक है, मैंने सोचा था यार दूसरे वाले शॉप पे जाने का, लेकिन वो शॉप्स ना बहुत दूर है यहाँ से, तो मैंने सोचा यार यही चले जाता हूँ, इतनी दूर कहाँ जाऊँगा। खैर ठंड का माहौल वापस आ गया, ठंड आने वाली है बेकार वाली, गर्मी थी कल परसों बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ठंड हो। थोड़ा सा मूड जो है मैंने चेंज कर लिया है। क्यों मूड इसलिए चेंज कर लिया यार, पीछे एक शॉप थी, वो शॉप में मैंने बैठा नहीं, मैं सोच रहा था वो शॉप में चला जाऊँ, लेकिन यहाँ यार चलो वही चलते हैं, वो बहुत पास है, 300 मीटर है। पहली बार इस एरिया में मैं कटा रहा हूँ, वो भी बढ़िया दिख रही है, तो सोच रहे हैं वापस बस स्टॉप वो वाला वहाँ से चेंज करके और फिर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। यार अब एक स्टॉप आगे चल के आ गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैसे जमा करवा देते हैं। सामने देखो ये कॉमर्स बैंक है और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैश जमा करवा सकता हूँ। €50 जो है ना, €50 के आसपास मैंने कैश रख लिए, क्योंकि पता नहीं है वहाँ पे कितने पैसे लगेंगे। ये इतने इतने में 225 €। देखो मैंने ये तो डिसाइड किया ही नहीं है कौन सी हेयर कट करवाना है, लेकिन मुझे लगता है आवाज़ सही से आ रही होगी ना स्पीकर कैसे क्या। ये सामने शॉप है, ये आ गई, देखो इस शॉप से हम लोग कटवाने वाले हैं। हेलो,
इससे परमिशन लेना था और परमिशन ये ले रहा था कि भाई मैं बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई है, ये देखो बढ़िया शॉप है, साइड में ही है और देखो बढ़िया गाने छाने चल रहे हैं और इस तरह से कुछ माहौल है। यहाँ हम बैठेंगे इस चेयर पे, प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ना, 15 रुपये और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये। बैठते हैं चलो। मैं डिसाइड करके नहीं आया था कौन सा बनवाना है, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा कैटलॉग क्या है क्या नहीं है ना। फ़ोन में है कौन से बनवाएं, मैं सोच रहा हूँ ये वाली बनवा लेते हैं। नहीं यार ये वाली नहीं, ये वाली, ये क्या, ये ठीक है, ये वाली ठीक है, नॉर्मल शॉर्ट। हाँ जी हो गई है, कैसे लग रही है, पेमेंट वगैरह कर देते हैं फिर मैं घर चल के सारे बताता हूँ कितने पैसे दिए और क्या दिया, ठीक है। दैट वाज 15 राइट, ओके मगन गेट्स वन से क्या, थैंक यू थैंक्स अ लॉट, जियो देन या। हाँ जी कैसा लग रहा है बताओ, अभी चल के बात करनी है घर पे, बात करनी है, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तभी हेयर कट देख लो। हेलो, मैंने इससे बोला था कि भाई दोनों साथ चलेंगे लेकिन ये लेट रिप्लाई किया था। I have a lot of meetings to attend, you know. I just attend one meeting and then I just got finished with it and I'm sorry I didn't join you, bro. कोई बात नहीं ब्रो, क्या लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ब्रो, ये काले ने क्या बाल काटे हैं, बहुत बढ़िया काटे हैं ब्रो, यू लुक, पहले मैं सोच रहा था ये कोई गोरी से कटवाते हैं, तू तो डिगा लग रहा है भाई। हां भाई फुल काम काम 25 है, काम काम 25 है, चलो जा रहा हूं ऊपर देखते हैं खाने का कुछ, ठीक है ब्रो, चाय बना रहा था, चाय पी लेना, चाय पी लेंगे आज, तो बना रहा था मैंने रखी हुई है ब्रो, और तुम चाय, चल ठीक है चाय पी लेता हूँ और वीडियो अपनी यहीं गरम कर देता हूँ भाई, क्या कहाँ चलना है, चलते हैं सारे काम निपटा लूँ मैं, एक मेल डालना है और बाकी बताता हूँ। खैर भाई तुम बताओ कि हेयर कट कैसी लग रही, ठीक है आसपास से घुमा के भी दिखा देता हूँ मैं कैसा क्या है क्या नहीं है। टोटल जो कटिंग के हो गए थे ये नॉर्मल जो है कि 15 यूरो यहाँ नॉर्मल लगते हैं, 15 यूरो मतलब मिनिमम 15 तो लगेंगे, और कोई और भी बेकार वाली शॉप पे जाओगे जहाँ पे बिल्कुल ही बेकार नहीं अच्छे काटते हैं लेकिन वो कस्टमर के लिए 13-14 में काम हो जाएगा, बाकी 15 यूरो लगे हैं, 15 मतलब 1200 रुपये के आसपास। उसके अलावा हमने जो है मैंने 5 यूरो टिप दे दिए, वो बाल बहुत बढ़िया काटे इसलिए, और भाई इतना खुश हो गया बंदा
कोई देता नहीं हो इतनी टिप, कैसा लगा? देता होगा भाई। ओ ब्रूडी डांका ये वो बना वाला, कोई नहीं भाई रख रख। हाँ पर अच्छे काटे, अच्छे काटे ना, इसलिए तो उसने दाढ़ी वाड़ी भी सेट की थी मेरी, मेरे को लगा दाढ़ी के पैसे लेगा। हाँ। तो बोले ओनली 15 मैंने कहा अरे भाई तो वहीं जस्ट पास में ये TUHS है ना, इसके जस्ट सामने वाली शॉप। ओ तो भाई TUHS वाले कोई देख रहा है ना अगर वीडियो तो बता रहा हूँ, वहां पे जाना 15 दिनों में बढ़िया माल काटेगा, 2 यूरो टिप तो देना कम से कम। मैंने जो है 5 यूरो टिप दिया, टोटल अपना जो खर्चा हुआ है पूरा दाढ़ी वाड़ी सेट थोड़ी सी करके गया था मैं, लेकिन उसने और बढ़िया कर दी है। पूछा उसने कि भाई थोड़ी कम करूँ ज्यादा करूँ मूछे वगैरह बढ़िया, और उसने आगे बोला था आगे लगा दूँ उस तरह, आगे नहीं साइड में, ये मट जो दिखाया था ना मैंने उससे मतलब सही किया। तो टोटल जो खर्चा आया वो 20 यूरो है, 1600 रुपये के आसपास, और इतने में बाल कटते हैं भाई देख लो। यहाँ पे पहले हम स्टूडेंट थे तो घर में ही आपस में थोड़ा बहुत काट लेते थे, मशीन चलानी होती है आसपास ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो यार बाहर देखते हैं कैसे क्या बाल काटते हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, पैसा खर्च थोड़ा सा हुआ, लेकिन यार अब जैसे जैसे बड़ी बड़ी इंडिया में जो शॉप होती है जहाँ आप जाते हो बहुत सारी चीज़ें करवाते हो तो वेरी करते हो 400, 500, 600, लेकिन यहाँ जो है 1600 रुपये लगे हैं। इंडिया में 1600 रुपये में क्या क्या हो जाता है? 1600 रुपये में यहाँ पे देख लो 1600 रुपये में, मतलब 5 यूरो टिप वो चौड़ अलग है। तो हम अपने बाल भी कटवा लेते, मैनीक्योर पेडीक्योर भी करवा लेते और पार्टी भी कर लेते। ठीक है भाई, ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई भी दिक्कत हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्ट जाओगे पूछ लेना कुछ भी। भाई जिंदा है, भाई सही सलामत है आपके लिए हमेशा। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ 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 चाओ।